हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि गूगल फॉर्म को किस तरीके से वैलिडेट किया जाता है सो दैट आप गूगल फॉर्म के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो वैलिड इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट हो। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन फॉर्म के अंदर क्यों लगाने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन किया है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी जो पहली फील्ड है वो है एंटर नेम। तो जब भी ये फॉर्म यूजर को अवेलेबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, यूजर यहां पर उसका नाम एंटर कर सकता है और इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। बट अगर आपने इस फॉर्म को वैलिडेशन नहीं लगाया तो क्या हो सकता है, यहां पर नेम की जगह कोई सिंगल लेटर नेम यूजर एंटर कर सकता है या फिर कोई नंबर यहां पर वो एंटर कर सकता है और दोनों भी केस में इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो रही है। तो ऐसी अगर इंफॉर्मेशन हमारे फॉर्म के थ्रू सबमिट होती है, इट मींस इट इज इनवैलिड इंफॉर्मेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन सबमिट ना हो, इसीलिए गूगल फॉर्म के अंदर जो है हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं। और वैलिडेशन बहुत तरह के होते हैं, डिपेंड ऑन कौन सी फील्ड आप ले रहे हो और क्या डेटा आप उस फील्ड के थ्रू कलेक्ट कर रहे हो, हम लोग वो अकॉर्डिंग जो है वैलिडेशन चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आखिरी तक देखना, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ वैलिडेशंस विच यू कैन यूज इन योर गूगल फॉर्म एंड यू कैन कलेक्ट वैलिड इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वैलिडेशन होता है वो होता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब है कि किसी फील्ड को यूजर ने ब्लैंक नहीं छोड़ना चाहिए, कंपलसरी उस पर्टिकुलर फील्ड को यूजर ने फिल करना चाहिए। तो ऐसे फील्ड को हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड बोलते हैं और रिक्वायर्ड वैलिडेशन गूगल फॉर्म के अंदर बहुत ही आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो रिक्वायर्ड बोल के एक ऑप्शन होता है। तो जो भी आप फील्ड नेम लोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिया एंटर नेम और ये जो फील्ड नेम है ये मुझे रिक्वायर्ड चाहिए, तो इसको ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा कि जब भी यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा और अगर यूजर ने इस पर्टिकुलर फील्ड को ब्लैंक छोड़ा, इट विल इमीडिएटली शो यू अ वैलिडेशन, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ओके, तो ऐसे हर एक फील्ड को आप रिक्वायर्ड फील्ड बना सकते हैं। अब यहां से मैं और एक फील्ड यहां पर एड कर देता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं कॉलेज नेम। ओके, इसका जो टाइप है दैट इज शॉर्ट आंसर। अब कॉलेज नेम मुझे रिक्वायर्ड तो चाहिए, मतलब ये कंपलसरी मुझे चाहिए, यूजर ने इसको फील करना चाहिए। इसी के साथ मुझे और एक वैलिडेशन यहां पर लगाना है कि कॉलेज नेम यूजर ने मिनिमम 4 डिजिट का एंटर करना चाहिए। अगर 4 डिजिट से कम हो तो इन दैट केस इट शुड बी अ इनवैलिड नेम, सबमिट ही नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 4 कैरेक्टर का जो है कॉलेज नेम यूजर ने एंटर करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों ने यहां पर रिक्वायर्ड के साइट में आपको 3 वर्टिकल डॉट्स यहां पर मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्पांस वैलिडेशन, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग रिस्पांस वैलिडेशन पर क्लिक करोगे यू विल गेट दिस ऑप्शंस। तो यहां से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, देयर इज ऑप्शन लेंथ, हमको लेंथ चेक करनी है कि मिनिमम 3 कैरेक्टर होने चाहिए। और लेंथ जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट, मिनिमम कैरेक्टर काउंट। तो मिनिमम कैरेक्टर काउंट मैं यहाँ पे दे देता हूं 3 और यहां पर हम लोग जो एरर मैसेज हो देंगे प्लीज एंटर वैलिड कॉलेज नेम। तो यही वैलिडेशन आप लोग नेम के लिए भी लगा सकते हो, अगर आपको मिनिमम कितने डिजिट का नेम वहां पर एंटर होना चाहिए। ऑब्वियस है कि एक डिजिट का नेम तो नहीं होगा, तो उस केस में आप लोग ये लगा सकते हो। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि जैसे ही मैं यहां पर एंटर सम नेम हियर एंड यहां पर मैं 2 डिजिट डाल देता हूं एंड सबमिट, तो यही पर देखिए प्लीज एंटर वैलिड कॉलेज नेम। जैसे 3 डिजिट्स मैंने यहां पे एंटर किए जो एरर मैसेज है वहां से निकल गया। ओके, सो दिस इज व्हाट अदर काइंड ऑफ वैलिडेशन। आई एड वन मोर फील्ड एंड दिस आई टेक कॉन्टैक्ट नंबर। सो अगेन कॉन्टैक्ट नंबर आई वॉन्ट रिक्वायर्ड, और कॉन्टैक्ट नंबर के केस में यूजर ने यहां पर सिर्फ नंबर एंटर करना चाहिए, कैरेक्टर शुड नॉट बी अलाउड ऑब्वियसली।
कॉन्टैक्ट नंबर कैन नॉट बी द कैरेक्टर्स ओके और अल्फाबेट्स। तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन पर क्लिक करना है और यहां पर इस बार हम लेंगे नंबर और यहां पर आप लोग ले सकते हो कि ओके यू कैन डिसाइड फर्स्ट लेंथ ऑल्सो कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यहां पे चाहिए। तो मुझे मैक्सिमम जो है और मिनिमम 10 नॉट मिनिमम यू हैव टू सेट अ मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स ओके विल सी इट लेटर। यहां पर मैं सिर्फ सेट करूंगा नंबर ओके और नंबर जो है वो आपको चाहिए होल नंबर ओके। तो इस अगर नंबर के अलावा यूजर ने कोई और कैरेक्टर यहां पे एंटर किया दैट विल बी इनवैलिड। सो यहां पे कस्टम एरर मैसेज में दे दूंगा प्लीज एंटर वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने नंबर वैलिडेट यहां पर किया कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यूजर एंटर करेगा वो नंबर होना चाहिए ना कि स्ट्रिंग। तो नेम यहां पर एंटर कर दिया ओके देन ये ग्रेटर देन 3 डिजिट्स मैंने यहां पे एंटर कर दिया और यहां पर जैसे ही मैं कैरेक्टर एंटर करता हूं देखो मैसेज आ रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहां पर आप लोगों ने अभी नंबर एंटर करना है ओके। तो जैसे ही नंबर एंटर किया जो एरर मैसेज है वहां से निकल गया ओके। उसी तरीके से हम लोग और एक फील्ड यहां पर एड कर देंगे आई एड द फील्ड दैट इज एज और एज के लिए जो अगेन आई विल पुट रिक्वायर्ड इट इज कंपल्सरी और रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाऊंगा और नंबर अब जो एज यूजर से एक्सेप्ट करनी है आप यहां से अलग अलग ऑपरेटर्स यहां पर आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे किसी रेंज में आपको एज एक्सेप्ट करनी है तो आप यहां से बिटवीन सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लेस दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जो कोई आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग यहां से ऑपरेटर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहां से सिलेक्ट कर देता हूं बिटवीन और मुझे चाहिए बिटवीन 18 एंड 35। अगर इस रेंज में एज एंटर होती है तो ही वो वैलिड एज है अदरवाइज इनवैलिड है। तो एरर मैसेज हमारा होगा प्लीज एंटर वैलिड एज ओके। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल ओके। नाउ आई विल एड वन मोर और यहां पर मैं दे देता हूं व्हाट्सएप नंबर ओके। तो यहां पर मुझे जो वैलिडेशन अभी लगाना है वो वैलिडेशन मुझे लगाना है कि जो नंबर यहां पर एंटर होगा दैट शुड बी अ 10 डिजिट नंबर और 10 डिजिट नंबर के लिए इसके अंदर तो हमारे पास कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है राइट। फिलहाल नंबर में कोई ऑप्शन नहीं है कि 10 डिजिट नंबर हम किस तरीके से यहां से सेट करें बट यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी स्ट्रिंग होती है जो पैटर्न्स एक्सेप्ट करती है। तो यहां पर आपको पैटर्न देना होता है और वो पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन का जो भी पैटर्न होगा उस पैटर्न में अगर इनपुट है तो ही वो वैलिड इनपुट है अदरवाइज वो इनवैलिड इनपुट है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग कहोगे कि हमको लिखने नहीं आते सो देर इज नो इश्यू आपको हर एक पैटर्न का रेगुलर एक्सप्रेशन ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल के लिए सर्च करना है ईमेल का एक पैटर्न होता है जिसमें एट द रेट होता है डॉट होता है तो आपको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी यूआरएल के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करना है उसका आपको आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी पैटर्न हो गूगल पर आप उसको सर्च उसके रेगुलर एक्सप्रेशन को सर्च कर सकते हो यू विल इजिली गेट द रेगुलर एक्सप्रेशन विदाउट हैविंग एनी नॉलेज विदाउट हैविंग एनी आइडिया रिगार्डिंग हाउ टू जनरेट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहां पर मैं डालता हूं रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर 10 डिजिट नंबर्स फॉर 10 डिजिट मोबाइल नंबर ओके रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो किसी एक वेबसाइट में आपको आसानी से ये मिल जाएगा। सो यू विल गेट दिस ओके दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन द रेगुलर एक्सप्रेशन आर समथिंग लाइक दिस ओके। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन ओके हमको 10 डिजिट मोबाइल नंबर के लिए चाहिए सो विल सर्च अगेन
दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट दैट इज रेजेक्सआर, तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा. सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दैट इज वॉट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, सो वॉट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी दिस, आई विल कॉपी दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को आपको इस पैटर्न के अंदर यहां पर पेस्ट कर देना है. ओके, तो ये हम लोगों ने यहां से कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद एरर मैसेज, प्लीज एंटर 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर, 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, तो ये हम लोगों ने यहां से सेट किया, और इसको अब मैं टेस्ट करके यहां पे देखता हूं कि 10 डिजिट कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं. सो दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड. अगर दो ही डिजिट में यहां पर रखता हूं, इट विल गिव एरर मैसेज. यहां पर कोई नंबर अगर टेक्स्ट आप डालते हो तो एरर मैसेज देगा. सो इट मस्ट बी अ नंबर, देन एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 35. अगर मैंने यहां पर एज दे दी 10, तो उस केस में ये एरर देगा, एंड आई विल एंटर हियर 35. ओके, इट इज वैलिड. नाउ नंबर आई विल एंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो वंस यू एंटर 10 डिजिट नंबर, इन दैट केस इट विल बी अ वैलिड नंबर. अगर आपने 9 डिजिट यहां पर डाले तो भी ये इनवैलिड होगा, एंड इफ यू एंटर मोर देन 10 डिजिट तो भी ये इनवैलिड होगा. तो और जब भी ये इनवैलिड है तो आपका फॉर्म वहां पर सबमिट नहीं होगा. ओके, जब तक आप वैलिड डेटा यहां पर एंटर नहीं करते तो फॉर्म आपका वो वैलिडेशन एरर मैसेज वहां पर दिखाएगा. तो जो सबसे पावरफुल वैलिडेशन इसके अंदर है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, और विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आप लोग किसी भी टाइप का, किसी भी पैटर्न के लिए का वैलिडेशन आप यहां पर लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको DDMM YY फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करनी है. सो यू कैन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ. सेपरेटर क्या चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश चाहिए, डैश चाहिए या स्पेस चाहिए, सो दैट यू कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. सो एज आई सेड कि आपको हर पैटर्न के लिए, हर स्ट्रिंग के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन नेट के ऊपर आसानी से मिल जाएगा, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन आप गूगल फॉर्म के फील्ड को वैलिडेट करने के लिए यूज कर सकते हो. और इस तरीके से आप लोग आपके फॉर्म को वैलिडेशन यहां पर लगा सकते हो, और वैलिड डेटा आप रजिस्ट्रेशन में कलेक्ट कर सकते हो. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो. वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सके. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.